हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में तीन होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने बीट रूट से तैयार की है। आज मैं आपको बताऊँगी कि बीट रूट से आप कैसे अपने हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर मैंने हेयर फॉल के लिए हेयर मास्क तैयार किया है, जो मैंने बीट रूट के जूस से तैयार किया है। इसकी रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने ग्लोइंग वाटर तैयार किया है। अगर आप अपने फेस पर नेचुरली ग्लोइंग लाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए मैंने ये चुकंदर के जूस से बना हुआ वाटर तैयार किया है। इसकी रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने ये वीडियो बनाया है ना, तो ये ख़ास करके इसलिए बनाया है। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी ना कि चुकंदर से आप कैसे अपने सर की जुओं को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चुकंदर का वाटर तैयार किया है। चुकंदर के वाटर से आप बहुत ही आसानी से अपने हेयर को वॉश करके अपनी जुओं और लीक ये सब ख़त्म कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा असर होता है इसका। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए रेमेडीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चुकंदर लिया है। चुकंदर को अच्छे से वॉश करके मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में मैं चुकंदर को ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। हम चुकंदर का वाटर तैयार कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें इसमें 1 लीटर पानी ऐड करना है। 1 लीटर पानी इसमें ऐड करने के बाद 10 मिनट्स के लिए हम इसे ऐसे ही एक साइड में मिक्स करके रख देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर 10 मिनट्स के लिए इसे ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसे एक छलनी से छान लूँगी। छलनी से छानने के बाद चुकंदर एक साइड हो जाएगा और इसका पानी अलग निकल जाएगा। ये देखिए चुकंदर का पानी बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इससे अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। जब भी आप अपने हेयर को वॉश करें, तो चुकंदर के पानी से ज़रूर वॉश करें। इससे आपके हेयर की जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सारी सॉल्व हो जाती है। आपके हेयर स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, कि इससे आपकी सर की जू और लीक एकदम ख़त्म हो जाती है। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब इंतज़ार करना है। 5 से 7 डेज तक आपको इसे रेगुलर यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर हेयर मास्क रेडी कर रही हूँ। हेयर मास्क रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच चुकंदर का जूस ऐड करूँगी। ये मैंने चुकंदर को कद्दूकस करके निचोड़ लिया था, तो उसमें से ये जूस निकला था। अब यहाँ पर मैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। विटामिन ई का कैप्सूल आपको किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से आसानी से मिल जाता है। ये तीनों चीज़ें एक साथ ऐड करने के बाद ना, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा हेयर मास्क बनकर रेडी हो चुका है। जब भी आप रात में सोएं, तो सोने से पहले अपने बालों में इसे अच्छे से लगा लें, फिर सो जाएं। सुबह में उठ के अपने हेयर को वॉश कर लें। अब यहाँ पर मैं ग्लोइंग वाटर तैयार कर रही हूँ। वैसे तो आपको अगर अपने फेस पे ग्लो लाना है, तो आपको चुकंदर का जूस पीना चाहिए। लेकिन अगर आपको चुकंदर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है,
एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच चुकंदर का जूस डालना है। ये जूस भी मैंने चुकंदर को कद्दूकस करके ना निचोड़ लिया था और फिर इसे मैंने स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था, वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए ग्लोइंग वाटर बनकर तैयार है। आप इसे रोज़ सुबह में गुनगुने पानी के साथ लीजिए। रेमेडीज़ शेयर करने का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।